आपको भवसागर से पार जाना है और जिंदगानी सफल बनानी है तो काम करते रहो और नाम ना भूलो। कैसे नाम जपे काम के समय, मैं करके बताता हूं। कैसे करना चाहिए? सबसे पहले जब हम सोकर उठें तो हमें क्या करना चाहिए? हम पहले तो ये निश्चित करें कि हमें उठना कब है। हमें कब उठना चाहिए? सूर्योदय के पहले। सूर्य उदय के पहले जो लोग उठ जाते हैं, जिस घर के लोग उठते हैं, कहते हैं सूर्य उदय के पहले आपके घर में झाड़ू लग जाए, आपका मेन गेट खुल जाए, खिड़कियां खुल जाए और सूर्य का पहला प्रकाश यदि आपके घर पे आया, तब तो आपके घर में सुख शांति और समृद्धि की कभी कमी हो नहीं सकती। जीवन में दुख वो लोग पाते हैं जिनके 7 बज गए, सूर्य भगवान आ गए, अभी तक दरवाजा नहीं खुले, खिड़कियां नहीं खुली, सो रहे हैं, राक्षस राज अभी सो रहे हैं। 7 बज गए, सूर्य भगवान सिर पे चढ़ रहे हैं, अभी तक आप सो रहे हैं। क्या ये हमारी सभ्यता, हमारा संस्कार है? ना, हमारे संस्कार हैं जब हम छोटे थे ना, ये दास अपनी बात कर रहा है, जब हम 10 वर्ष के थे तब हम मंदिर में पूजा करते थे। हम मंदिर में, हमारे पिताजी मंदिर में पुजारी थे, एक मंदिर की पूजा करते थे। तो हम जब 10 साल के थे तब हम 4 बजे स्नान करके 5 बजे पूजा खत्म करके और 5 से 6 बजे तक मैं सुंदरकांड का रोज पाठ करते थे, हनुमान चालीसा का रोज पाठ करते थे, रोज रोज पाठ करते थे। 6 बजे सवेरे 6 बजे मंदिर की पूजा और पाठ करके बाहर आ जाते थे अपने काम के लिए, और 6 बजे बाहर आकर गाय के लिए घास लेने के लिए खेत चले जाते थे, चारा काट करके गाय को खिलाते थे, फिर नाश्ता करते थे, फिर रोटियां, नाश्ते में रोटी और अचार खाते थे, हाँ कभी गुड़ भी खा लेते थे रोटी के संग। ये दिनचर्या थी। पहला काम हमारा भगवान को धन्यवाद देना होना चाहिए, गौ सेवा होनी चाहिए। ये हमारे संस्कार, हमारा रक्त, हमारे हमारे रक्त में है ये। बिना पूजा किए अच्छा ही नहीं लगता, तो क्या करो, सूर्य उदय के पहले। सूर्य भगवान कब उदय हो रहे हैं? लगभग आप 5:30 बजे बिस्तर त्याग दो। बिस्तर त्यागने के पीछे भी कारण कैसा है, कैसे त्यागना है, डायरेक्ट उठ के चलना नहीं है। सबसे पहले जैसे ही आपकी आंख खोले, आंख खोलते ही राम नाम ते ही सुमिरन कीन्हा, हृदय हरस कपि सज्जन चीन्हा, यही सन हठ करी हूं पहचानी, साधु ते हो ही न कारज हानि। हनुमान जी जब लंका में गए और विभीषण की कुटिया पर गए तो विभीषण सवेरे 4 बजे जागे, और जागते ही उन्होंने क्या बोला, राम, अर्थात आप जब जागे तो जागते ही राधे कृष्ण, सीताराम, श्रीमन नारायण, भगवान का नाम हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे जपें। भगवान का नाम लेते, भगवान का नाम लेते हुए बिस्तर से उठें, उठकर बैठ जाएं, बिस्तर पर सीधे पड़े थे उठ के बैठ गए, बैठकर क्या करना है, भगवान का नाम, हे प्रभु आज का दिन आपने दिया उसका धन्यवाद। फिर दोनों हाथ का ऐसे मंथन करना चाहिए, और जब हाथ गर्म हो जाए तो फिर हमें हथेली को ऐसे खोलना चाहिए, खोलने के बाद हमें एक मंत्र पढ़ना चाहिए। मंत्र याद ना हो तो आप ऐसा करो, कराग्रे वसते लक्ष्मी कर मध्ये सरस्वती, कर मूले तु गोविंदा प्रभाते कर दर्शनम। कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर के अग्रभाग में लक्ष्मी का वास होता है यहाँ। कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, यहाँ सरस्वती का वास होता है, और पूरे हाथ में भगवान कृष्ण का, नारायण का वास होता है।
कर मूले तो गोविंद। तो दोनों हाथों का मंथन यहाँ लक्ष्मी का ध्यान सवेरे करेंगे तो आपके घर में लक्ष्मी आएगी, सवेरे से ध्यान होगा। सरस्वती का चिंतन करेंगे तो आपकी वाणी से दिन भर कोई गलत शब्द नहीं निकलेगा, गलत वाक्य नहीं निकलेगा, गलत विचार नहीं निकलेंगे, आपकी वाणी से कोई दुखी नहीं होगा। और गोविंद का ध्यान करेंगे, मेरे नारायण मेरे कृष्ण का ध्यान करेंगे तो आपको सब कुछ मिलेगा। तो पहले दोनों हाथों का मंथन करके दर्शन करें, फिर दोनों हाथों का मंथन करके जब हाथ गर्म हो जाए तो अपने चेहरे पर लगाएं, अपने नेत्रों पे वो हाथ लगाएं, और उसके बाद सबसे पहले उठकर आप अपने बच्चों को ये चीजें समझाएं। सबसे पहले उठकर आप पृथ्वी माता को प्रणाम करें। पृथ्वी माता को, हे पृथ्वी माता, आपका धन्यवाद, आपने हमें एक अवसर दिया है। आपके ऊपर हम कितना पाप करते हैं, हाँ मल मूत्र जैसी गंदगी त्यागने के लिए हम मजबूर हैं, माँ हमें क्षमा करना। पृथ्वी माँ को प्रणाम करना चाहिए। उसके बाद आप अपना पांव बिस्तर के नीचे रखें, हाँ उसके बाद बिस्तर के नीचे पांव रखें। और सबसे पहले सवेरे बढ़िया सा पानी पेट भर के पीना चाहिए। मैं थोड़ा स्वास्थ्य की बात भी आपके लिए कर दूं, बच्चों को तो जानकर रात के तांबे का बर्तन जानते हैं, कॉपर, तांबे के लोटे में धुलकर पानी भर दो, उसे ढक दो, और वही तांबे के बर्तन में जो रात भर से पानी पड़ा था उस पानी को सवेरे बच्चों को पिलाओ। वो तांबे के पात्र का जब पानी बच्चे पिएंगे तो वो बच्चों की बुद्धि प्रखर होगी, बच्चे प्रखर बुद्धि वाले होंगे। यदि आपके